शायद ऐसा कोई कपल किया है कि नहीं, आई डोंट नो, बट अच्छा क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं। बहुत सोच समझ के ऐसा डिसीजन लिए हैं हम लोग। ज्यादा भीड़ है अभी, रात का बज रहा है 2:00, ऑफिस भी जाना है तो जल्दी से बता दे। मतलब दूसरे जगह पे बना है बद्रीनाथ, लास्ट जा रहे हैं, मेरे को जाने का मन नहीं है, जबरदस्ती मेरे को जा रहे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और रुकिए थोड़ा सा, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन और बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, वो है ये। आप सब मुझे देख के सरप्राइज हो गए होंगे, आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे को तो मेरा तो वीडियोस में आना बनता है। आप लोग हमें एक साथ पसंद कर रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हम लोग जाने वाले हैं दुर्गा पूजा पंडाल घूमने के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं और कहाँ पे कौन सा पंडाल बनना है। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि हमें साथ में वीडियोस बनाना चाहिए, तो हमारा साथ में वीडियोस बनाना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग एक जगह तो रहते नहीं, अलग अलग जगह रहते हैं और दोनों का अपना अपना काम है। तो हमने सोचा है कि हम एक ही वीडियो में हम लोग दोनों अलग अलग जगह से वीडियोस बनाएंगे आपके लिए, ताकि आपसे हम कनेक्ट रहें और आपका प्यार हमें मिल सके। तो ऐसा पहली बार हो रहा है YouTube चैनल पे कि एक ही चैनल पे दो लोग अलग अलग जगह से वीडियोस बना रहे हो, ये एक ही वीडियो में। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर कर दीजिए प्लीज़। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें। तो आज हम चलेंगे दुर्गा पूजा पंडाल घूमने के लिए, मैं जमशेदपुर का कवर करूँगी और शेखर कोलकाता का कवर करेगा। तो वीडियोस में बने रहिए और अपना प्यार बांटते रहिए हमारे साथ। तो देखा आपने, तो हमारे मिशन में हमारी रिया भी जुड़ गई है जो आप लोग एंटरटेन करने के लिए रेडी है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं पंडाल होपिंग करने के लिए, हो जाएगी जमशेदपुर में, मैं जाऊंगा कोलकाता में। ये यूट्यूब में पहली बार हो रहा होगा कि भाई एक वीडियो में मतलब दो जगह का पंडाल एक साथ ब्लॉगिंग में आप लोगों को देखने को मिले। और कोई शायद ऐसा कोई कपल किया है कि नहीं, आई डोंट नो, बट जहाँ तक मैंने देखा है कि नहीं किया है, ऐसा थोड़ा यूनिक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो प्लीज़ आपको पता ही ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से 1 लाख कर दो यार। बेसर्विस इंतज़ार कर रहे हैं कि आप लोग कब 1 लाख करोगे। तो आज हम लोग जाएंगे पंडाल होपिंग करने के लिए कोलकाता के, रिया जाएगी उधर अपने फैमिली के साथ, वो धीरे धीरे अपने फैमिली को भी मिला देगी आप लोगों से। और दीदी का आज बर्थडे है, उसकी दीदी का, तो हैप्पी बर्थडे दीदी मेरे तरफ से, आप लोग बोल दो उनको हैप्पी बर्थडे ताकि उनको अच्छा लगे। तो अभी रेडी होंगे हम लोग, अभी बारिश हो रहा है इधर बहुत, अब पता नहीं घूम पाएंगे कि नहीं, उम्मीद है शाम तक बारिश छूट जाए। और रिया कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो कैसा है, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल से, बहुत सोच समझ के ऐसा डिसीजन लिए हैं हम लोग। देखो हम लोग साथ नहीं रह सकते तो क्या हुआ, आप लोगों को साथ में एक साथ दिखा तो सकते, प्रेजेंट तो कर सकते खुद को कि हाँ भाई हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैं इधर से ब्लॉगिंग करूँगा और वो उधर से करेगी। वैसे भी आप लोग को बोल रहे थे कि उसको चैनल खोल दो, चैनल खोलने से अच्छा है कि भाई आप मेरे ही चैनल पे आके, हमारे चैनल पे आके वीडियोस बनाओ और हम लोग एक दूसरे को मर्ज करके अपना लाइव, हम लोग कैसे मिले, क्या किए, किस तरह से हमारा इंट्रो हुआ, क्या हुआ, सब बता देंगे। फिलहाल आपको इन्जॉय करना है ये पूजा, उम्मीद है आप लोग भी पूजा इन्जॉय कर रहे होंगे, मस्ती मजाक। और जो मैंने कहा था शॉर्ट्स वीडियो में, उन लोगों को हेल्प ज़रूर करना जो छोटा छोटा बिजनेस लगाते हैं, 500 हज़ार 2000 का बिजनेस लगाते हैं, उन लोग हेल्प करना। चलो ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, मिलते हैं आपको सीधा शाम को, अभी शाम होने ही वाला है, वैसे अभी 2 बज रहा है, शाम होने वाला है, तो आप मिलते हैं आपको रेडी होके। तब तक के लिए आप लोग रिया से बात करो और देखो वो कैसी लग रही है और कमेंट करके बताओ। मैं मिलता हूँ आपको रिया से मिलने के बाद, क्योंकि हम लोग साथ में नहीं जाना इसीलिए। गाइस तो अब हम हो चुके हैं रेडी, हम दी को बोलते हैं, ये दोनों मेरी बहन है और अभी हम दी को बोलते हैं मेरा लुक दिखाने के लिए आज का। तो अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि गाड़ी आ चुका है, हम पंडाल पे जाके आप लोगों से कनेक्ट करते हैं और हम लोग बर्थडे भी सेलिब्रेट करने वाले हैं क्योंकि आज है मेरी बहन का बर्थडे। तो आप लोग लाइव बनी रही है वीडियो पर और हम लोग कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमारा ब्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अब बारी है मेरी, मैं अब दिखाने वाला हूँ आपको कोलकाता का बेस्ट बेस्ट पंडाल। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा ये ब्लॉग, ये यूट्यूब के हिस्ट्री में पहली बार हो रहा होगा। मतलब मैंने सोचा, एक दिन ख्याल आया कि भाई ऐसा करना चाहिए क्योंकि आप लोगों को मेरी, हमारी और हमारी वीडियो मेरी और रिया की अच्छी लगती है और आप लोग प्यार भी देते हो।
इसलिए ये चीज मैंने स्टार्ट किया। ये यूट्यूब में पहली बार हो रहा है ऐसा कि जो अभी तो कपल ही कहेंगे हम, दो मतलब दो कपल एक साथ अलग अलग जगह से वीडियो बना रहे हैं और आपको दोनों जगह के पंडाल होपिंग करवा रहे हैं। क्योंकि देखो मैं कोलकाता में हूँ तो मैंने सोचा कोलकाता का पंडाल का होपिंग आपको दिखा दूँ, और वो रिया वहाँ जमशेदपुर में है तो जमशेदपुर का होपिंग दिखा दे आपको, पंडाल का होपिंग, जिससे आपको ये चीज़ बहुत इंटरटेनिंग लगेगा और बहुत ही मज़ा आएगा। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। बाइक चला रहा था इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा दो मिनट रुक के आपसे बात कर लूँ, तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा और इन्जॉय करोगे। और कमेंट करके बताना जरूर रिया कैसी लग रही है। भाई भैया लोग आए नहीं हैं, उसका वेट कर रहा हूँ, लोग गाड़ी से आ रहे थे इसलिए मैं बाइक से पट 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 पट। कोलकाता में इतना भीड़ है गाइस कि मत पूछो यार, हालत ख़राब हो जाता है घूमने के लिए। और रात में तो बोल रहा है कि यहाँ पे रात भर घूमना है, अब देखते कितने बजे तक घूमते हैं, कितने बजे तक घर जाते हैं। तब तक आप लोग रिया के मतलब आप लोग जमशेदपुर पहुँच जाओ और इन्जॉय करो वो वीडियो। रिया कैसी लग रही है कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। ये एक छोटा सा पंडाल है और यहाँ पर पहली बार देखा जा रहा है कि उस वो जहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वहाँ पे डीजे लगा हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे बट अभी म्यूजिक बंद हो चुका है। बागबेड़े के दूसरे पंडाल में मतलब दूसरे जगह पे बना है बद्रीनाथ। लास्ट टाइम यहाँ पर बना था केदारनाथ और इस साल बना है बद्रीनाथ। चलो अंदर चलते हैं, मैं गिर जाऊंगी। वाओ मूर्ति बहुत सुंदर है। और ये रहा बद्रीनाथ का। तो अभी हम लोग आ गए हैं ये बागबेड़ा के एक जगह पे, यहाँ पे बना है चंद्रयान 3। तो गाइस ये देखिएगा चंद्रयान, इसी से उड़ के आप लोग जाइएगा। यहाँ पे बना है चंद्रयान 3 बागबेड़ा में, ठीक है पहले से ठीक है। चलो अंदर जाकर देखते हैं अंदर का डेकोरेशन क्या है। ज्यादा कुछ तो घूमने को मिला नहीं है हम लोगों को, क्योंकि जहाँ भी जा रहे हैं वो बहुत भीड़ है, बट यहाँ पे हम लोग आ सकते हैं। ये थोड़ा यहाँ पे एलियंस वगैरह है, उतना कुछ खास नहीं है बट ठीक है। तो ये है बागबेड़ा का पंडाल जिसमें चंद्रयान 3 बना है। हम आ गए मेला में आदित्यपुर और ये धोखेबाज जो मेरे को मेले घूम रहे हैं और हम लोग अभी बिजली चूल्हा में जा रहे हैं। मेरा बाल दिखा दो, मेरा बाल दिखाओ ना। आवाज कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग बिजली चूल्हा में जा रहे हैं, मेरे को जाने का मन नहीं है, जबरदस्ती मेरे को जा रहा है। आके मिलते हैं आप लोगों से। Thank you.
अरे कैसा भाई भैया बिना पानी अरे अरे इधर नहीं भाई कैसे है लड़की कैसे है बहुत अच्छी है भाई ये मेरे पीजी में जब हम पढ़ाई करते थे बताया था ना तोमोदा इतना कॉल बहुत ही खूबसूरत है गाइस डेकोरेशन तो बहुत अच्छा है डेकोरेशन बहुत अच्छा है बहुत ही खूबसूरत है और पूरा देसी है ये चूल्हा है चूल्हा आग जल रहा है रात को 4 बजे अटक गया भाई फुल चार्ज कर दिया ही तो चलिए कर दिया अरे हमारे करण ये फुटबॉलर है ना हाथ से ही मार दिए भाई साहब 4 बजे फुटबॉल खेल के मजा आ गया